ओम शांति। आपको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हमारा 350वें दिन का ईश्वरीय वरदान, जहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमें गुणों का दान करना है और हमें नंबर वन बनकर के आना है। किसकी नज़र में? परमात्मा की नज़र में। तो देखें जरा बाबा कहते क्या हैं। आज के वरदान का शीर्षक है ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर वन बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। विस्तार में चलते हैं। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदान या गुणदाता बनने की आवश्यकता है। दुनिया धन दान कर रही है, आराम दान कर रही है गरीबों को जिनको ज़रूरत है, वो तो ठीक है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो गरीब क्यों बने, उनकी हालत ऐसे क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पाप कर्म किए। और वो भी क्यों किए? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने गुणों की जगह अवगुण इस्तेमाल किए, जिस कारण उनकी आज ये हालत है। तो धन तो दोगे, आराम दोगे, लेकिन अगर उन्होंने गुण इस्तेमाल करने नहीं सीखे जिनको आप दान कर रहे हो धन दौलत आराम, तो वो सदा काल के भिखारी बन जाएंगे। तो इस दुनिया में अभी वर्तमान समय में ज़रूरत क्या चीज़ की है? तो वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। ज्ञान तो है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप ज्ञान सीखते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं ज्ञान तो पूरी दुनिया दे रही है आज, बहुत सा ज्ञान है चारों तरफ, लेकिन सत्य ज्ञान पर चलने का जो हुनर है, जो शक्ति है, वो दिखाने की ज़रूरत है। तो जहाँ गुण है और जहाँ ज्ञान है वहाँ सत्यता है। तो गुण और ज्ञान दोनों मिलकर के जहाँ पर है वहाँ पे भगवान है। गुणों बिना ज्ञान अहंकार है। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। तो कर्म करते हुए भी लोगों को आपके द्वारा सादगी दिखाई दे, हमारे द्वारा नम्रता दिखाई दे, हमारे द्वारा धैर्यता दिखाई दे, हमारे द्वारा पवित्रता दिखाई दे, हमारे द्वारा सहनशीलता दिखाई दे, ये गुण हमारे कर्मों के द्वारा दिखाई दे और लोगों को, तब जाकर के लोग मानेंगे कि हाँ ये सत्य ज्ञान है। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। ये किसने? परमात्मा ने बोला है। किसने बोला? परमात्मा ने बोला हमें करने के लिए। तो व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। अगर आप दिन भर अगर आप सोचें कि मैं किस तरीके से औरों को मैं सदाचार सिखाऊं, अपने कर्तव्य द्वारा बोल करके नहीं, ज्ञान देकर के नहीं, मैं उस ज्ञान के मार्ग पर चलूँ, मैं जिस सिचुएशन में जिस प्रॉब्लम के टाइम पर सहनशीलता चाहिए, जिस प्रॉब्लम के टाइम पर निर्भयता चाहिए, उसमें निर्भयता दिखाऊँ, सहनशीलता दिखाऊँ, सादगी दिखाऊँ, है ना, धैर्यता दिखाऊँ उस समय, और उस समय मैं अहंकार को, क्रोध को कंट्रोल करके नम्रता, सदाचार, सहनशीलता, प्रेम भाव, ये सारे गुण दिखाऊं मैं। देखा जाए तो 36 गुण हैं, लेकिन कुछ ही यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये सारे गुण कौन से हैं जो कि हम अपने जीवन में अपना करके, उनको कर्तव्य में ला करके हम औरों को भी सिखा सकते हैं कि इस मार्ग पर चला जा सकता है। कलयुग में भी, घोर कलयुग में भी आप रोशनी की किरण देख सकते हैं, और ये गुण ही रोशनी की किरण है, जहाँ हर कोई अवगुण को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे धन के मामले में, चाहे संबंधों के मामले में झूठ फूट बोल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। परमात्मा कहते हैं वहाँ पे तुम दिखाओ कि गुणों के द्वारा भी तुम हल्का रह करके, शांत रह करके और आगे बढ़ सकते हो। तो परमात्मा कहते हैं दूसरों को देखने के बजाय, दूसरों को सुनने के बजाय क्या है? अपने ऊपर फोकस करके मुझे क्या करना है। दूसरे अवगुण इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे गुण इस्तेमाल करने हैं। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए, ब्रह्मा बाप कौन हो गए? एडम हो गए। परमात्मा ने एडम को बनाया, तो परमात्मा की पहली रचना एडम थे। तो एडम क्या सिर्फ देखने में सुंदर थे? सिर्फ वो नहीं, एडम जो थे, ब्रह्मा जो थे, वो आत्मा बहुत पवित्र, बहुत सुंदर थी गुणों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा। तो परमात्मा कहते हैं उनको फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो। तो सर्वगुण संपन्न बनने, कितने सर्वगुण संपन्न, 36 गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन, नंबर वन हो जाएंगे। किन की आंखों में नंबर वन हो जाएंगे? परमात्मा की आंखों में नंबर वन हो जाएंगे।
एडम तो नंबर वन है ही है, लेकिन अगर हम एडम को फॉलो करेंगे तो हम भी फर्स्ट डिविजन में या नंबर वन आ जाएंगे भगवान की आंखों में। तो परमात्मा आज के वरदान में हमसे ये चाहते हैं कि हम दुनिया में हर सेकंड हर कर्म करते हुए गुणों का दान करते चलें, तब ये दुनिया शांत बनेगी और हम भी शांति से रह पाएंगे। इसी के साथ में आज का ये वरदान था। ओम शांति।